हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स सुरभि हियर। को टॉपिक से पता चल गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस की जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं जिनसे आपको वेट लॉस में हेल्प होगी। ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं और ये आपकी हेल्प करेंगे टू स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी इन अ हेल्दी वे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और चलिए अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बात हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि वेट लॉस करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमें कोई क्रैश डाइट फॉलो करनी है या हमें पूरा पूरा दिन भूखे रहना है। हमें बस कुछ चीज़ें ऐसी अडेप्ट करनी होती हैं अपनी लाइफ में जो हम फॉरएवर फॉलो कर सकें और वो हेल्दी होनी चाहिए बस हमारे लिए। आज मैं आपको ऐसी ही 5 लाइफस्टाइल चेंजेस बताऊंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में चेंज कीजिए और आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। फर्स्ट चेंज जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं वो है टू रिड्यूस द इनटेक ऑफ वाइट रिफाइंड शुगर। जो वाइट रिफाइंड शुगर है वो हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करती है, इसके इतने हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं। ये ओबेसिटी लेके आती है आपके अंदर, एक्सेस बेली फैट लेके आती है जिसकी वजह से डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़ का खतरा रहता है। हमारी एजिंग की प्रोसेस को ये फास्ट ट्रैक कर देती है, स्किन को डिहाइड्रेट करती है, मूड स्विंग्स होते हैं इससे, ब्लोटिंग हो जाती है। तो इसके बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं और इससे वेट गेन भी होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए, जैसे गुड़ हो गया, जैगरी, डेट्स हो गई, स्टीविया हो गई, कोकोनट शुगर हो गई। हमें ये सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए रादर देन वाइट शुगर। अगर आप चाय पीते हैं, आपको चाय बहुत पसंद है, तो आप चाय में चीनी का इंटेक कम करिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि गुड़ वाली चाय बनाइए, वो भी बहुत टेस्टी होती है। पर वाइट शुगर को जितना कम कर सकें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करना उतना कम करिए। सेकेंड चेंज जो आप कर सकते हैं वो है अवॉइड पैकेज्ड फूड। पैकेज्ड फूड मतलब चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूसेस, ये सब कुछ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अवॉइड करिए। इसमें इतने ज़्यादा हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और अगर आप इनके इंग्रेडिएंट्स चेक करेंगे तो उसमें एडेड शुगर, एक्सेस में सोडियम और सॉल्ट होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, ट्रांस फैट होता है, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर आर बॉडी। पैकेज्ड फूड जो होता है इट इज़ जस्ट डिज़ाइंड टू गिव अस इंस्टेंट प्लेजर कि हमें खा के अच्छा लगे, वरना ना इसमें कोई फाइबर होता है जिससे आपको कभी फुल फील होगा नहीं और आप ओवर ईटिंग करते रहेंगे जिसकी वजह से आपका वेट गेन होगा। इनके भी आप हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं, जैसे रोस्टेड पीनट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, आमंड्स ले लो, वॉलनट्स ले लो, रेजिन्स ले लो, लोटस सीड हो गए आप वो खा सकते हैं, रोस्टेड चना हो गया। ये स्नैक्स लेने से आप हेल्दी भी फील करेंगे और आपकी वेट लॉस में भी हेल्प होगी। थर्ड चेंज जो आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं वो है कीप योर डिनर लाइट और अपने डिनर और अपने बेड टाइम पे 1.5 से 2 घंटे का अंतर रखिए। अगर आप हैवी डिनर करते हैं और हैवी डिनर करने के बाद तुरंत सो जाते हैं तो आपको इनडाइजेशन होगा, एसिड रिफ्लक्स होगा और इन शॉर्ट आपका वेट गेन होगा। अगर आप अपना डिनर लाइट रखते हैं और डिनर और बेड टाइम में कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप रखते हैं तो क्या होगा, उससे आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा प्रॉपरली, सोने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और वेट जो है वो भी बढ़ेगा नहीं। तो प्लीज़ अपना डिनर जितना ज़्यादा हो सके लाइट रखिए। जैसे आप 2 रोटी खाते हैं तो 1.5 रोटी खाने लग जाइए, 1.5 खाते हैं तो 1 खाने लग जाइए, पर डिनर जो है उसको अपना लाइट रखिए, आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा अपनी बॉडी में। फोर्थ चेंज जो आप कर सकते हैं वो है स्टे एक्टिव थ्रू आउट योर डे। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं बहुत अच्छा है, पर वो 1 घंटे की ही होगी। ट्राई करिए पूरा दिन एक्टिव रहने का, जैसे लंच और डिनर के बाद 1/2 आवर की वॉक कर लीजिए, घर के काम कर लीजिए, बस इतना रहिए कि पूरा दिन एक्टिव रहना चाहिए आपका, पड़े मत रहिए। वैसे भी इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक 10,000 steps इन अ डे। अगर आप 10,000 steps नहीं ले सकते हैं, एटलीस्ट एम फॉर 4,000 to 5,000 steps इन अ डे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाइए। फिफ्थ चेंज जो आप कर सकते हैं वो है इंक्लूड मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम होता है, विटामिन सी होता है, कैलोरीज भी कम होती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट करते हैं और वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में फाइबर होता है एंड फाइबर टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट, जिसकी वजह से आप ज़्यादा देर तक फुल फील करते हैं. ट्राई टू हैव एटलीस्ट 2 फ्रूट्स इन अ डे. और वेजिटेबल्स जो हैं उनको अपनी हर डाइट में, हर मील में इंक्लूड करिए. ये 5 लाइफस्टाइल चेंजेस हैं. इसके अलावा ड्रिंक एटलीस्ट 3 लीटर्स और 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. हाइड्रेटेड रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अपना स्लीप साइकिल जो है उसको इम्प्रूव कीजिए. ट्राई करिए आप सेम टाइम पे रात को सोने जाएं और सुबह सेम टाइम पे जागें. आपकी स्लीप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी हेल्थ में और आपके वेट पे. तो प्लीज़ अपना स्लीप साइकिल इम्प्रूव करिए. तो ये चेंजेस करिए आप अपनी डेली लाइफ में, आपको बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स मिलेंगे. अगर आप सारे चेंजेस साथ में नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट स्टार्ट विद 1. कुछ दिन के लिए एक चेंज लेके आइए अपनी लाइफ में. अगर वो आप पूरा कर पाते हैं तो फिर दूसरा वाला उसमें इंक्लूड कर लीजिए. और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आप सारे के सारे चेंजेस अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे और आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ने लग जाएंगे और आपका वेट लॉस भी होने लग जाएगा. ये लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने अपनी लाइफ में 3 महीने पहले अडैप्ट किए थे और मैं आज तक इनको फॉलो कर रही हूँ. मैंने अब ऑलमोस्ट 13 kgs वेट लूज़ कर लिया हुआ है and I'm feeling very healthy and fit. That's it for this video guys. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि जिनको ज़रूरत है इसकी वो इसको देख सकें. आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं. लिंक इज़ मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.